यू। यार आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एक साल का रिश्ता है मेरा जी के साथ और लास्ट ईयर यू नो दे वेलकम मी टू द फैमिली एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुनाइट। मैं होस्ट कर रहा हूँ, आई एम द मेन होस्ट फॉर द इवेंट एंड आई एम परफॉर्मिंग एज वेल, सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सबको एक साथ, पूरी फैमिली को, पूरी जी फैमिली को एक साथ देखना, यू नो उनके साथ इंटरेक्ट करना, आई थिंक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नो आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड because he's hosting with Z for the first time. He's also dancing and he's doing a lot of fun things and hopefully winning an award as well. So I'm more excited than you. Good, I'm happy. यार मुझे ऐसा लगता है यू नो शादी इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट स्टेप दे से, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई बिलीव इन अ कपल शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, बाकी सब कुछ अपने आप यू नो एवरीथिंग फेल्स इन प्लेस, एक साथ सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ये जो दो चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे को समझते हैं और आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं इन अ गुड वे आई एम सेइंग, सो आई थिंक लाइफ बिकम्स स्मूदर। ऑल्सो आई थिंक शादी का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज एवरी मैरिज इज़ डिफरेंट, हर रिलेशनशिप अलग है, हर शादी अलग है। तो अगर आप हमसे पूछे कि हमारी शादी का क्या डेफिनेशन है, तो धीरज ने अभी अभी हमारी शादी का डेफिनेशन दिया, बट आई डोंट थिंक शादी जैसी ब्यूटीफुल चीज़ डिफाइन की जा सकती है, किसी भी एक यू नो किसी एक चीज़ में बांधी जा सकती है। सबकी शादियाँ अलग हैं, सबकी शादियाँ यूनिक है, सबकी शादियाँ प्यारी हैं, डिफरेंट है, लवेबल हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा दैट आई एम वेरी लकी दैट शी इज़ इन माई लाइफ एंड वॉट एवर आई एम टुडे आई थिंक शी इज़ माई लेडी लव एंड दैट्स वाई शी इज़ टुडे हियर ऑल्सो विद मी, सो दैट यू नो होपफुली आई विल विन द अवार्ड ऑल्सो, सो शी इज़ माई लेडी लव, सो आई टोटली बिलीव इन दैट एंड यू नो आफ्टर आई गॉट मैरिड टू हर एंड लाइफ जस्ट चेंज फॉर मी एंड प्रोफेशनली ऑल्सो पर्सनली ऑल्सो, सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ इन माई लाइफ। यार आई थिंक कुंडली को दर्शकों का प्यार पहले दिन से ही मिला, यू नो वी हैव टॉप द टीआरपी चार्ट्स सिंस इंसेप्शन एंड शो इज़ डूइंग सो वेल, एस्पेशली करण लूथरा हैज़ बिकम सो फेमस द कैरेक्टर एंड ऑल्सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड सेरेमनी टुडे। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी दैट आई विल गेट द फैंस विल गेट हैप्पी। आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट बट मुझे यकीन है कि वी आर टेकिंग होम अ कपल ऑफ trophies because as an audience, not just as a wife, as an audience we all love Kundli Bhagya, we love watching Dheeraj Dhupar as Karan Luthra, he's done such a brilliant job. So I don't want to sound wrong but I know it's going to happen, so we have a few trophies, we have to make place for it. Thank you. यार मैं टिप नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि जस्ट बी हैप्पी यार, एक दूसरे का ख्याल रखो एंड यू नो एक दूसरे को खुश रखो, एक दूसरे के लिए जियो, अपने लिए भी जियो लेकिन एक दूसरे के लिए भी जियो। आई थिंक स्पेशली लड़के को सनी को कहूंगा मैं ये बात, क्योंकि प्रिया जो हैं अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ रही हैं, तो आपकी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यू नो टू टेक केयर ऑफ हर इन अ गुड वे एंड ऑल, सो मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहो, आबाद रहो एंड नेवर स्टॉप डेटिंग ईच अदर। Yes. यार आई बिलीव कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, यस एंड मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली दे शुड बी पनिश फॉर इट एंड लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि कोई गलत या कोई सही आदमी अंदर फायदा ना उठाए किसी भी चीज का, मी टू मोमेंट का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इट्स अ ब्रिलियंट मोमेंट एंड आई रियली थिंक दैट वी आर डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ दिस, बट आई ऑल्सो फील कि इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, यू नो नॉट सी बहुत जेन्युइन केसेस हैं पर कोई एक आधा हर कोई तो अच्छा नहीं होता, सो आई जस्ट फील दैट यू नो इट शुड बी रियली इन्वेस्टिगेटेड एंड देन वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस मोमेंट एब्सोल्युटली। ओके मी आई एम वेयरिंग अ गॉर्जियस लहंगा फ्रॉम कल्कि, इट्स अ डर्टी पिंक कलर
और वी वॉन्टेड टू गो विद अगेन समथिंग सिंपल. हम दोनों मिलके एक दूसरे की आउटफिट्स चूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी चॉइस मेरी आउटफिट पे रिफ्लेक्ट होती है और मेरी इनकी आउटफिट पे. सो दिस वाज म्यूचुअली डिसाइडेड एंड वी वॉन्टेड टू स्टिक टू सिंपल. सो So my outfit is designed and styled by Shivani, and she's a dear friend. And I especially love the shoes, man. If you can cover this thing, and I love these shoes absolutely. This is something really different, and I'm waiting for the first one. So I'm really excited. I think I'm fingers crossed that I'm gonna get a lot of compliments for this as well. Yes, you are. Yeah. Come na. Yeah. Come. Hello. Thank you. Come on. What about the team? Not even me. थोड़ा ये वीडियो वाले कैमरे में भी कौन सा लड़का फरान ब्यूटीफुल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार हमारे टेलीविजन पे शादी होने जा रही है आज. एग्जैक्टली. और शादी का तो पता नहीं, लेकिन दी मैं रिसेप्शन के लिए तो रेडी हूँ, इसलिए गाउन पहना है मैंने. नहीं, ये दिस विल गो फॉर बोथ दी ओकेजन्स. और हम इतने एक्साइटेड हैं कि पूरी शादी वाली फील आ रही है, इसलिए वी ऑल आर ड्रेस्ड अप लाइक दिस, जैसे शादियों में ड्रेसअप होता है. और इतने एक्साइटेड है कि बहुत दिन से ये तैयारियां चल रही हैं. आई थिंक आई स्टार्टेड डिसाइडिंग व्हाट आई विल वेयर, द ज्वेलरी, एवरीथिंग फ्रॉम 15 डेज अगो. 15 दिन से ये सब चल रहा है कि नहीं ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज नहीं, वो वाला ऑरेंज, और ये वाली ज्वेलरी नहीं, दैट ज्वेलरी नॉट, दिस हेयर स्टाइल, दैट हेयर स्टाइल. सो वी आर ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड. आई थिंक जो सारा अवार्ड वाला
वो था उसको भी लाइक ओवरटेक कर लिया इस शादी ने, यू नो वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट द शादी देन एक्चुअली गोइंग इन एंड विनिंग और लूजिंग. क्यूट, ये माय होल फैमिली इज हियर, कम 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 कम. ओह माय गॉड, अच्छा ना हम लोग सब ऑरेंज में, अमेजिंग. Okay, so what's the next question? Is there any other question? Oops. स्टैम्पीड हो गई है यहाँ पे दो ब्यूटीज को देखकर. साथ में तो परफॉर्मेंस नहीं है पर आई थिंक हम बहुत मस्ती करने वाले हैं अंदर, वही परफॉर्मेंस होगी हमारी. या आपको इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंसेस दिखेंगी इसकी मेरी, हम करना चाहें साथ में तो ऐसे तो बहुत गाने होंगे. पिया पिया ओ पिया पिया. हाँ दी, ओके, एक स्टेप दी. एक स्टेप, बट दिस इज शादी ना, लेट्स डू अ शादी का सॉन्ग. विच वाला शादी का सॉन्ग? कम ऑन, किसी को शादी का याद याद है? शादी कमरिया वाला कौन सा है जरा बोलो. अरे उसके लिरिक्स बहुत ट्विस्टेड है, चगाड़ा दारा कर देता है. उसके भी लिरिक्स नहीं आते, उसके भी बहुत. नहीं यार वो कह रहे अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है ऐसे क्यों बोल रहे हो यार. गाने शादी करोगी मुझसे, शादी करोगी वाला क्या है? बोर हो गए सारे अब, चलो कोई भी गाना लगा दो यार. इफ यू लीव इट अप टू अस देन वी नेवर बी एबल टू डिसाइड. So about my look, shall I start first? Yeah, please. But before I start saying anything, we both have been styled by Neha Advik Mahajan. Yes. My outfit is by Renu Tandon. She's a very renowned Delhi designer. And orange हमारे कुटुम का थीम है आज, इसलिए थोड़ा बहुत ऑरेंज आपको सभी आउटफिट्स में दिखेगा. एंड ऑरेंज इज ऑल्सो कलर ऑफ जी टी वी, सो दैट्स वाई वी फ्लॉन्टिंग इट. और दैट्स इट. Yeah, I think it takes immense courage to come out and speak about experiences that that have horrified you, that are harassing you in some corner of your mind. To speak about it, to speak about such things take immense courage, and also it's very relieving once you talk about it and it's out in the open and people know that thing that you had been holding back in your mind. You feel relieved, and I totally, totally support Me Too movement. I don't know why. I just cannot agree and understand people who just brush it off like ye kya chal raha hai, because I want people to know that this is very real. Such things happen in this industry or anywhere else, all the industries. Women are sometimes mistreated, mishandled, manhandled, and I'm very glad this movement is happening, and it is definitely going to reduce such episodes, such instances to a huge extent. I also have something to say in the Me Too movement, but I'll say it on some other day to somebody if they approach me.
But I want to ask you, Shraddha, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? Not right now. I want to talk about it because right now it will just distract everyone from the शादी का माहौल. But definitely, I have a very, very stark experience that always stayed in my head, and it would also help me if I talk about it. But not right now. Not right now. Because right now we are here to enjoy the shadi and participate. You know what I feel, Shraddha, that we are so blessed ke hamare sath aisi cheeze nahi hui hai. Right. Aur mere sath to ho hi nahi sakti because main kuch zyada hi mufat hu. उसके साथ हो जाती है दूसरे बंदे के राइट राइट आई थिंक आई हैव टू आई लाइक आई सेड इट टेक्स इमेंस करेज आई डोंट नो इफ आई हैव द करेज राइट नाउ टू स्पीक ऑफ सर्टेन पीपल ऑफ कोर्स दे आर बिग नेम्स सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ सम अदर टाइम फेयर एनफ it's important and I'm definitely I will do a write up on this I will definitely express what I feel about it and like I'm saying right now in front of all of you all that I totally support the Me Too movement yes I think I will also speak on it specifically but on some other occasion thank you Thank you.